दिस इज हेलीन सानिया एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। फिल्मों के आलोचक और व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है उन फिल्म्स की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले नाम आता है लक्ष्मी बॉम्ब का, जो कि कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर राघव लॉरेंस है। और खास बात ये है कि राघव इस फिल्म से अपना डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कियारा एडवानी एज अ लीड नजर आएंगे। ये फिल्म तमिल फिल्म मुन्नी 2 का रीमेक है। पहले ये फिल्म सिनेमा में रिलीज होनी थी पर कोविड-19 के कारण इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जाएगा। दूसरी फिल्म है बुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इस फिल्म में अजय देवगन मेन किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर अभिषेक दुदैया जी हैं। ये फिल्म साल 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पर निर्भर है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेह, आमी विर्क, शरद कलकेर नजर आएंगे। इसके बाद बारी आती है सड़क 2 की। सड़क 2 को लेकर तो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे पर कोविड-19 के कारण जब सब सिनेमास बंद हो गए तो लोगों का दिल तो मानो जैसे टूट सा गया हो। पर अब लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब ये फिल्म सड़क 2 यानी कि डिज्नी हॉटस्टार पर जल्द ही रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट महेश भट्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस मुकेश भट्ट द्वारा की जा रही है। इस फिल्म में आलिया भट्ट पहली बार अपने पिता यानी कि महेश भट्ट के साथ काम करते हुए नजर आएगी। इस फिल्म में संजय दत्त, पूजा भट्ट और आदित्य रॉय कपूर दिखाई देंगे। इसके बाद नाम आता है लेट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बचारा की, जो कि जल्दी रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म में सुशांत सिंह के अलावा संजना संगी भी नजर आएंगी। दिल बेचारा फिल्म द फॉल्ट इन अवर स्टार्स नामक एक नॉवल पर बेस्ड है जिसे मुकेश छाबड़ा द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद नाम आता है फिल्म बिग बुल का। ये एक बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म है जिसे कुकी गुलाटी द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, इलाना डी क्रूज, निकिता दत्त, अजय देवगन, वरुण शर्मा, चंकी पांडे, कुमुद मिश्रा दिखाई देंगे। सिक्स्थ मूवी का नाम है खुदा हाफिज, जो कि रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म को डायरेक्ट फारूक कबीर ने किया है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी जिसमें विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबराय एज अ लीड हमें दिखाई देंगे। लिस्ट में आखिरी नाम है फिल्म लूट केस का, जो कि ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट राजेश कृष्णन ने किया है। इस फिल्म में कुणाल खेमू और रसिका दुगल नजर आएंगे। पहले ये फिल्म 10 अप्रैल 2020 को थिएटर्स पर रिलीज होने जा रही थी पर कोरोना वायरस के कारण ये फिल्म सिनेमा में रिलीज ना होकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, जिनमें से 5 फिल्मों के ही किरदारों ने लाइव आकर अनाउंसमेंट की थी। पर 2 फिल्म ऐसी हैं जिनके किरदार लाइव नहीं आए और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे आके अपनी अपनी जानकारी दी। वो 2 किरदार हैं कुणाल खेमू और विद्युत, पर दोनों ने जैसे कि मैंने बताया अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर आके अपनी एक पोस्ट डाली और पोस्ट को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इनवाइट ही ना किया हो। आप भी नजर मारे एक बार उन दोनों के ट्वीट्स पर। जुड़े रहे हैं गूगल बॉलीवुड के साथ। अब मुझे यानी कि हेलीन सानी को दे इजाजत। नमस्कार।